कोरोना के सबब लखनऊ में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। लखनऊ में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्टेडियम 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। मजहबी मकामात पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और JCP लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात के अहकाम जारी किए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट जिस तरह तेजी से फैल रहा है उसको लेकर एहतियात बढ़ती जा रही है और इस एहतियात के साथ ही कि लखनऊ में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्टेडियम 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे और घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि मजहबी मकामात पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। JCP लॉ एंड ऑर्डर ने इसके अहकाम जारी किए हैं। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया रिपोर्टर अहमर हुसैन हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अहमर, क्या गाइडलाइंस जारी की गई है और उसके तहत क्या तैयारियां देखने को मिल रही है, लोगों का इस पर रद्दअमल क्या है? बिल्कुल शहबाज, देखिए कोरोना का जो एक खतरा है वो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहां पर भी काफी अब गहराता जा रहा है और लोगों में एक उसको लेकर डर भी है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने एक नई गाइडलाइन यहाँ के लिए जारी कर दी है, जिसमें खासतौर से लोगों को मास्क लगाना जो होगा वो लाजमी होगा और धारा 144 खासतौर से नाफिज की गई है। 4 से 5 लोग एक जगह पर, इससे ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। जो मजहबी मकामात हैं वहां पर भी खासतौर से ये गाइडलाइन का एक असर रहेगा। जो 50 लोग, जिस तरीके से पहले हमने और आपने देखा था कि गाइडलाइन में था कि 50 लोगों से ज्यादा ऐसी जगहों पर लोग नहीं इकट्ठा हो पाएंगे, तो वो तमाम बातें जो हैं वो गाइडलाइन में लिखी गई हैं और बताई गई हैं और उसका सख्ती से अमल करने के लिए भी पुलिस प्रशासन को कहा गया है। और अब उसका असर ये दिखने भी लगा है कि अब जो तमाम सड़कों पर जो पुलिस के जवान हैं वो कहीं ना कहीं अब मुस्तैद हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो खासतौर से लखनऊ है, राजधानी लखनऊ है, वहां पर कोरोना से लोगों को किसी तरह जागरूक किया जा सके और एक बार फिर से जिस तरीके से आपने देखा था कि पुराना माहौल था और कोरोना की एक दहशत थी, तो वो माहौल पुराना ना बनने पाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, जागरूक किया जा सके, तो उसके लिए बराबर मुसलसल कोशिश की जा रही है और तमाम लोगों को ये आगाह करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जो ये नया ओमिक्रॉन नाम का जो नया वेरिएंट कोरोना का बताया जा रहा है, ये 10% ज्यादा घातक बताया जा रहा है। हालांकि अभी डॉक्टर जो है इस पे इसका जो पूरे मुमकिन तौर पर इसको नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरीके से इसका असर रहेगा। लेकिन अहमर, इस दफा 144 के मद्देनजर तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उत्तर प्रदेश इस वक्त चुनावी मोड में है, दारुल हुकूमत लखनऊ है, लखनऊ के अंदर ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई रैली नहीं होगी, कोई प्रोग्राम मुनाकिद नहीं किया जाएगा क्योंकि दफा 144 नाफिज कर दी गई है, क्या इसको लेकर भी कोई अहकाम, कोई गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि अब आगे से आइंदा से कोई रैली भी नहीं हो पाएगी, किसी तरह का कोई बड़ा प्रोग्राम भी नहीं होगा, क्या इस तरह की भी कोई जानकारी? बिल्कुल शाहबाज, देखिए अब कोई भी अगर किसी सियासी पार्टी को रैली करना होगी तो उसके लिए भी सरकार से उसको परमिशन लेना होगी, इजाजत लेना होगी। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो चुनावी मोड में है और कुछ ही चंद महीनों के बाद बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का जो खतरा दिन ब दिन उत्तर प्रदेश में भी बढ़ता जा रहा है, तो उसके तहत अब ये जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कहीं ना कहीं जो सियासी जमाते हैं उनको भी ये बात जरूर समझना होगी, क्योंकि आपने आज देखा होगा कि मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कई मुख्तलिफ पार्टियों ने अपनी रैलियां की हैं और एक बड़ी भीड़ वहां पर जमा हुई है, तो कहीं ना कहीं अब इस बात का जरूर एहतियात रखना होगा कि अगर जान है तो जहान है और जो कोरोना का जो खतरा है उससे कहीं ना कहीं महफूज जरूर होना होगा सभी को, और जो रैलियां होंगी खासतौर से जो धरने प्रदर्शन होंगे उसके लिए स्पेशल इजाजत लेना होगी। हालांकि धरने प्रदर्शन पर और खासतौर से एक रोक लगाई गई है कि किसी भी तरीके का एक धरना ना किया जाए और सोशल मीडिया पर भी इस तरीके का कोई भड़काऊ बयान या फिर जो सोशल मीडिया पे लोग तनकीद करते हैं उसको भी लेकर एक पैनी नजर रहेगी पुलिस की और तमाम जो बंदिशें हैं वो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में होती दिखाई देंगी और उसका असर जो है सीधा सीधा वो चुनाव पर भी कहीं ना कहीं सियासी जमातों पर जरूर असर दिखाई। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्टेडियम सब में 50% अहलियत के साथ लोग जा सकेंगे, ये खुल सकेंगे। खासतौर पर अगर बात की जाए तो सिनेमा हॉल की अभी हाल ही के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी, एक बार फिर से 50% इसको कर दिया गया है, क्या सिनेमा हॉल मालिकों का या फिर जो होटल मालिक है उनका इसके ऊपर क्या रद्दअमल है?
बिल्कुल बिल्कुल शाहबाज, देखिए हमने पिछले वक्त भी देखा था जब लॉकडाउन से हम लोग सभी उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग गुजर रहे थे और तमाम कोरोना अपने उरूज पर था, और उस टाइम भी आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल काफी वक्त तक बंद रहे थे और उनके मालिकों में भी एक खास तौर से नाराजगी देखने को मिली थी, क्योंकि उनका जो रोजी रोटी है, जो रोजगार है उनका, कहीं ना कहीं वो उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बड़े वक्त एक लंबे वक्त के बाद सिनेमा हॉल खोले गए थे और उसमें एक लोगों का डर निकला था और लोग इकट्ठा शुरू हो वहां पर आना शुरू हुए थे और एक व्यापार शुरू हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से फिर 50% की जो शर्त लगाई गई है तो कहीं ना कहीं लोगों में मायूसी है। लेकिन जी एक ये भी एक उसका दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं कोरोना से लोगों को महफूज किया जा सके और जो बीमारी है ये बेशक हद जान से है तो सिवा जहान है, फैलने और पाए इसलिए तो इस जान को बचाने के लिए इस तरह की पाबंदियां आयात की गई है ताकि रोजगार फिर आगे दोबारा बढ़ा लिए जाएंगे। लेकिन जब तक जान नहीं होगी तो फिर रोजगार कैसे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए अहमद हुसैन आपका।